بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين وعجل لهم فرجه مولانا صاحب الزمان

जो कौम समूद थी जिसे जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने उनको भेजा वो अल्लाह में ईमान नहीं रखते थे और एक बड़े से पत्थर की जो है वो जो है इबादत करते थे कि पे जो है वो अपने सारे नजराने चढ़ाया करते थे और ये सब किया करते थे कुछ रवायत में कि वो पत्थर नहीं पहाड़ था तो अलग अलग रवायात है जब जनाब साल ने उनकी हिदायत की और उनसे कहा कि हम तुम जो है जो कर रहे हो वो गलत है अल्लाह इन सब चीज़ का खाली किया तो उन्होंने कहा अगर तुम सच में नबी हो तो अपना प्रूफ तो चले क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें तो उन्होंने कहा कि ये जो हम जिसकी जिस पत्थर की इबादत करते हैं या जिस पहाड़ की इबादत करते हैं इसमें से एक शी कैमल निकले एक ऊटनी निकले कि जो टेन मंथ्स प्रेग्नेंट हो मतलब जिसमें से एक बच्चा जो है निकले अब जनाब साले नबी खुदा ने जो है अल्लाह से दुआ की अल्लाह ने नबी की दुआ ऑफकोर्स कबूल की और उस पहाड़ या उस पत्थर के एक उपड़े हुए और उसमें से जो है एक शी कैमल एक ऊंटनी जो है जो टेन मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो बाहर आई लेकिन फिर भी इन लोगों ने जनाब सालेह पर ईमान नहीं लाया उन्होंने कहा ला कि हम जो है उसी खुदा की इबादत करेंगे अब अल्लाह ने नाजिल किया कि ये जो शी कैमल है जो ये ऊंटनी है वो एक दिन ये पूरा पानी पिएगी सारी कम्युनिटी का और एक दिन जो है पूरी कम्युनिटी पानी पिएगी और ये ऊंटनी नहीं जाएगी तो इस तरह ऑल्टरनेट डेज पर जो है लोगों को पानी मिलता था और ऊटनी को पानी मिलता था और जिस दिन ऊटनी का पानी का दिन था उस दिन वो ऊटनी इतना दूध देती थी कि पूरी जो कम्युनिटी है उनको जो है पूरी कौम सम को जो है उस ऊटनी का दूध काफी हो जाता था सेटिस्फाइंग हो जाता लेकिन कुछ लोग थे जो इससे खुश नहीं थे उन्होंने कहा कि ये गलत है हमें ऐसा नहीं और उन्होंने प्लान बनाया कि जनाब साले की ऊटनी को जो है मार दिया जाए तो एक दिन जिस दिन वो पानी पीने जा रही थी केदार नाम के एक शख्स आया और उसको अपॉइंट किया गया था और उसने जो है, जनाब साले की ऊटनी को मारा और उसके बाद कौम समूद ने जो है उस ऊँटनी को मारने के बाद उसका पूरा गोश्त निकालकर अपने में तकसीम कर लिया अब जब यह हुआ जनाब साल ने कहा कि तुम लोग अजाब में मुबिला हो गए ये जो केदार था ये एक रवायत में मौजूद है कि खिताम या खुताम नाम की औरत ने जो है उसे कहा कि अगर जो है तुम तो मेरे नजदीक आना चाहते हो तो तुम जो है जनाब साले की ऊंटनी को जो है कत्ल करो उसी तरह जिस तरह अमीर उलमिन के बारे में रवायतों में मौजूद है कि इबन मुलजिम को जो है जब भेजा गया तो एक औरत ने जो है उसे और वर्गलाया और कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे मेहर जो है अमीर उलमिन का जो है उनका खून है तो इस तरह जनाब सालेह और अमीर की स्टोरी में जो है काफी सिमिलैरिटी है इसके बाद जनाब साले ने कहा कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल करेगा इन्होंने कहा हमें अजाब की कोई परवाह नहीं हम सब अजाब के लिए तैयार है हम जो है तुम पर ईमान नहीं लाएंगे तब अल्लाह ने जो है जनाब सालेह पर नाजिल किया और जनाब साले ने लोगों को बताया अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह अगले तीन दिन तक तुम्हारे चेहरों को येलो उसके सेकेंड डे रेड और तीसरे दिन ब्लैक कर देगा और उसके बाद अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल करेगा कि जिसमें तुम सब बर्बाद हो जाओगे इन्होंने कहा देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा पहला दिन आया सबके चेहरे येलो हो गए कुछ लोगों ने कहा कि देखो जो साले ने कहा था सही कहा था दूसरे दिन उनके चेहरे रेड हो गए और तीसरे दिन ब्लैक हो गए लेकिन उन लोगों ने मगफिरत नहीं मांगी आखिर में तीसरे दिन के बाद रात को जनाब जिब्राईल ने एक ऐसी आवाज लगाई कि इन लोगों के कान जो है बहरे हो गए जनाब साले और उनके जो फॉलोअर्स थे वो जो है इस कम्युनिटी से बाहर निकल गए इसके बाद जो है जब जनाब जिब्राइल की आवाज आई और उनके ईयर ड्रम्स जो है फट गए उसके बाद अल्लाह ने आसमान से आग और पत्थर की ऐसी बरसात की ऐसी बरसात की कि लोग जो है कंप्लीटली बर्बाद हो गए खत्म हो गए जनाब साले सोलह साल के थे जब उनको कौम समूद की हिदायत का काम मिला और उन्होंने एक सौ बीस साल तक जो है तबलीग की ऐसा रवायतों में मौजूद है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा था कि दो तरीके के लोग दो लोग जो है सबसे ईवल है एक जनाब सालेह को कत्ल करने वाला और एक वो जो अमीर इमाम लिया लिया सलाम की दाढ़ी को उनके खून से रंगेगा यानी कि इबन मुल खुदा उस पर लानत करे